हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले तीन इंपॉर्टेंट वीडियोज़, तीनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, तो जरूर अगर आप चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे बात होने वाली है, आई नो हर किसी, मतलब अगर मैं कमेंट सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे एक ही चीज़ देखने को मिल रही है, सर बाजार में क्या प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा गैप डाउन बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेड था, दुनिया भर के बाजार में प्रेशर ही है। बट बाद में हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को यहाँ पे मिली है। दोस्तों, दुनिया भर के बाजार की अगर हम लोग बात करें, हर जगह पर हम लोग को पिटाई देखने को मिल रही है। एंड इंडियन मार्केट की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू द बाकी के मार्केट बहुत ही कम प्रेशर देखने को मिल रहा है। 0.67% आज हमारा मार्केट गिरा है। अगर आप एक झलक यहाँ पे यूरोपियन मार्केट्स के और यहाँ पे लगा दोगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जर्मनी के बाज़ार की बात 1.80, यहाँ पे इंग्लैंड के बाज़ार की अगर हम यूके की बात करें तो लगभग 2% के आसपास, फ्रांस की बात करें तो लगभग 2.75, बाकी भी यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो इंडेक्स की बात करें तो 2.5%। देखिए, हर जगह पे हम लोग को एवरेज 2 से 2.25% की गिरावट, और इंडियन मार्केट में केवल 0.67% की गिरावट। सो दोस्तों, हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बाकी दुनिया के बाज़ार के हिसाब से हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये एक पॉजिटिव साइन है, जो कि ऑब्जर्वेशन है, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, येस, सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल यही आ रहा है, सर क्या पोर्टफोलियो बना था पहले, बहुत अच्छा प्रॉफिट था, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, पूरा का पूरा वाइप आउट हो रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा सर ऐसे माहौल में? मतलब बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या? अगर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता, नीचे आ जाते, वापस खरीद लेते। तो दोस्तों, ये चीज़ें हमेशा हो जाती है ना, तो हमें ये, मतलब बोलते हैं ना, ये जो ज्ञान है ना, ये होने के बाद हम लोग को अच्छा ही लगता है। मतलब हम लोग पहले नहीं बोल सकते कि बाज़ार में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन होता है बाज़ार, राइट? बट याद रखिए दोस्तों, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है तो ये सारी चीज़ें आपको झेलनी आनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार अनसर्टन होता है। हम लोग नहीं कह सकते कि आने वाले 5 दिन में बाज़ार में क्या हो जाएगा, किसी को भी नहीं पता, राइट? बट जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही बहुत बड़ी, मतलब हम लोग को वेल्थ क्रिएशन बनते हुए देखने को मिल जाता है। ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता भी चुका हूँ। अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर भी देखोगे, क्यों वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके पीछे का भी लॉजिक यही है कि कंपाउंडिंग का कमाल का गजब का फायदा मिलता है। बट ये इतना भी आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आप इन्वेस्ट तो कर लोगे, बट जिस दिन मार्केट नीचे आ जाएगा आधे लोग तो भाग ही जाते हैं। आप सभी लोगों को याद ही होगा दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि वॉरेन बफे जी ने भी बहुत सारे कोट्स लिखे हैं, उसमें से आप लोगों को एक ज़रूर पता होगा कि उन्होंने ही कहा है कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो के 50% डाउन नहीं देख सकते तो आप बाज़ार में आओ ही मत। क्यों उन्होंने ऐसा बताया था? क्योंकि उनको भी पता है कि बाज़ार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, उनके भी पोर्टफोलियो ऐसे कितनी बार यहाँ पे डाउन यहाँ पे जा चुके हैं। अगर हमें, मतलब ऐसा लगता है कि बाज़ार में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हमेशा मार्केट ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा, हमेशा हरियाली ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, इतना सिंपल अगर बाज़ार होता दोस्तों तो हर कोई बच्चा बाज़ार में यहाँ पे इन्वेस्ट करके रह लेता, राइट? बाज़ार में लोग इसीलिए टिक नहीं पाते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अभी की जो प्रेशर वाली सिचुएशन है उनको वो झेल नहीं सकते। आप सिर्फ एक बार कमेंट सेक्शन, अब जितने भी मेरे पुराने वीडियोज़ है, एक बार जस्ट कमेंट सेक्शन के ऊपर राउंड मार के आ जाना, आपको हर जगह पे नेगेटिविटी, आधे लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, हर कोई एग्जिट की यहाँ पे बात कर रहा है, यही रीज़न होता है दोस्तों वो यहाँ पे टिक नहीं पाते हैं। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो प्रेशर है ना, ये जो प्रेशर जिसने झेल लिया वो बाज़ार में टिक गया, लाइफ टाइम के लिए टिक गया। एंड ये जो प्रेशर जो नहीं झेल सकता दोस्तों, वो बाज़ार को आज नहीं तो कल यहाँ पे टाटा गुड बाय बोल के ही यहाँ पे चला जाएगा। और ये आज की बात नहीं है, कई सालों से बाज़ार की हिस्ट्री रही है दोस्तों। अभी का सबसे बेस्ट अगर मैं हिस्ट्री की ही बात करूँ तो 2020 की ही गिरावट ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। बहुत सारे लोगों ने कमाल के आउटस्टैंडिंग, मतलब 5-स्टार पोर्टफोलियो बनाए थे, मार्केट तो अच्छा ही चल रहा था, हर कोई यहाँ पे खुश था, और जैसे 2020 अनसर्टेनिटी रहती है, बाज़ार में कोई तो रीज़न मिल गया, बड़ा क्रैश आ गया, बेच दिया, बोलते हैं सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गलती कर ले करके, कोई फ़ायदा नहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके, अच्छा खासा पोर्टफोलियो था, सब कुछ यहाँ पे 50-60% डाउन हो गया, टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेता तो फ़ायदा मिल जाता। अभी कोविड किसको पता था, यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था, क्रैश हो गया। बट जैसे मैंने उनको कहा था कि देखिए, आपका पोर्टफोलियो बहुत ही कमाल का है, आप होल्ड कीजिए, आपको ज़रूर पैसा मिल जाएगा। अभी की जो सिचुएशन है वो थोड़ी ना लाइफ टाइम रहेगी, कभी ना कभी तो हट ही जाएगा ये सारी चीज़ें। सो जिन लोगों ने सुन लिया, आज आप देख सकते यहीं पर उनका पोर्टफोलियो 2 से 3 गुना उनको पैसा कमा के दे दिया। और जिन लोगों ने यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना कि प्रेशर झेलना आना चाहिए, जो प्रेशर नहीं झेल सकता
वो मतलब कैसे बाजार में आई, और ये अभी की बात नहीं है, आगे भविष्य में भी यही चलने वाला है ऐसा। मतलब बोलते हैं ना, स्मूथली मक्खन की तरह बाजार चलेगा, ये मतलब सपने वाली बात है, ऐसी चीज़ें होती नहीं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत बार ये चीज़ें बोली है कि 250 डेज बाजार चलता है यहाँ पे, सैटरडे संडे पब्लिक हॉलीडे कट करके, एंड उसमें से 230 दिन वो आपके बाइंग प्राइस से नीचे ही रखने वाला है आपको। वो टेस्ट करेगा, ये 230 दिन जिसने झेल लिए गिरावट के, 20 दिन में बाजार आप लोगों को कमाल के रिटर्न्स कमा के यहाँ पे दे देगा। ये मैं पहले से आप लोगों को बता रहा था, 2020 में भी मैंने आप लोगों को बताया था। आज आप देख सकते हो, जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता चला वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट। ये फॉर्मूला उल्टा नहीं हो सकता दोस्तों, 230 दिन बाजार भागते रहेगा और 20 दिन गिरेगा। इतना सिंपल होता ना तो हर कोई कर लेता। जैसे मैंने कहा ना, ये प्रेशर वाली सिचुएशन है, राइट। जैसे बोलते हैं ना, एग्जाम भी रहता है, आप लोग कोई भी एग्जाम दे दो, एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि आप प्रेशर कितना हैंडल कर सकते हो। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो। अभी की सिचुएशन भी वैसे ही है कि आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो या नहीं। अभी भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था, बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाया था, सभी के सभी कमाल के शेयर्स थे, बट वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो एग्जिट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले कुछ समय के बाद वो पछताएंगे ज़रूर कि काश मैं होल्ड कर लेता तो अच्छा खासा पैसा बन लेता। और ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं भी था। मतलब कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले मैंने भी पोर्टफोलियो बनाया था लाख भर रुपये के आसपास, और वो पोर्टफोलियो यहाँ पे 20,000-30,000 रुपये के आसपास चला गया, मैंने बेच दिया प्रेशर के कारण, बोलता कि कुछ होना जाना नहीं है मार्केट में। और कुछ सालों के बाद देख लिया तो मतलब वो पोर्टफोलियो कहाँ चला गया, तब जाके समझ में आ गया जो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी है कि सिर्फ शेयर बाय करने से काम नहीं चलता है, उतना ही हिम्मत के साथ, करेज के साथ होल्ड करना भी आना चाहिए। ये बड़े इन्वेस्टर बड़े क्यों है, इन्होंने अच्छे शेयर्स बाय करने के बाद होल्ड भी किया है। ऐसे कितने सारे लोग हैं दोस्तों जिन्होंने टाइटन राकेश झुनझुनवाला जी के साथ ही बाय किया होगा, बट कुछ समय के बाद उन्होंने बेचा होगा, या फिर 2008 के क्रैश में बेचा होगा। आरजे इसीलिए क्योंकि उन्होंने उसको होल्ड कर लिया। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए दोस्तों। हर कोई यहाँ पे एग्जिट की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा है, एंड इसमें मैक्सिमम संख्या रिटेल इन्वेस्टर की ही होती है। सो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। मैंने आप लोगों को बताया इसका बेस्ट फॉर्मूला, ये जो बड़े जितने भी उद्योगपति है, मुकेश अंबानी की बात करें, टाटा जी की बात करें, बिरला जी की बात करें, अदानी जी की बात करें, राइट, इनका लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया लगाया है दोस्तों बाजार में। ये बाजार को ख़त्म होने देंगे ही नहीं, अगर बाजार ख़त्म हो गया तो यही बर्बाद हो गए, राइट। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, गलत रहेगा, बट फिर भी एक एग्जांपल के लिए बोलना चाहूँगा। चलो आपका और मेरा 10-20-30 हज़ार 1-2 लाख रुपया लगा है, इनके तो पूरी लाइफ जिंदगी सब कुछ इसी पे लगा हुआ है। अदानी आज नंबर वन क्यों है? उनके स्टॉक्स भाग गए इसीलिए, अगर कल उनके स्टॉक्स ही खत्म हो गए तो फिर वो आ गए नीचे। तो ये बात को समझो दोस्तों, ये सभी लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में है। टाटा जी टाटा क्यों है? सभी के सभी शेयर्स तो आप लोगों को मार्केट में ही देखने को मिल रहे हैं। सो अगर वो जीरो हो गए तो कैसे चलेगा फिर? रतन टाटा कैसे, मतलब जो परफॉर्मेंस अभी तक देखने को मिल रहा है वो कैसे रहेगा? सो ये चीज़ें समझो दोस्तों, ये लोग कभी भी बाजार को जीरो होने नहीं देंगे। इलॉन मस्क क्यों है? वो थोड़ी ना सैलरी लेते, वो सारे के सारे शेयर्स रहते हैं उनके बाजार में। तो ये अप्स एंड डाउन्स तो बाजार में पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आपके एक्सपीरियंस के लिए शायद से नया होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें देख चुका हूँ, और ये मैं अभी नहीं कह रहा हूँ, पिछले 3.5-4 साल हो गए इस चैनल को। आप देख लेना पुराने जितने भी वीडियोस है कि इस सिचुएशन में टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि रिटेल इन्वेस्टर दो मिस्टेक करते हैं, आइदर वो बहुत ही घटिया स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं पेनी स्टॉक जैसे हो, या फिर वो अच्छा क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट कर लेते बट उसको होल्ड ही नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने ये गाइडेंस देने के लिए चैनल बनाया है। तो मैं वापस कह रहा दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में टिकना आना चाहिए। अभी देखिए कुछ बड़े इन्वेस्टर है, जैसे कि आशीष कचोलिया, हाल ही में इन्होंने एक स्टॉक में 50 करोड़ इन्वेस्ट किया था, समवेयर अराउंड 30-50 करोड़। सोच के देख लेना उनका 30-50 करोड़ अभी मार्केट की गिरावट में तो कितना गिर गया होगा, फिर भी वो होल्ड कर रहे हैं बिना डरे, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। विजय केडिया सर आप लोगों को पता होगा, तो उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने हाल ही में एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, ये देखिए उन्होंने कितना 1.5 लाख शेयर्स खरीदे थे, रुपीज़ नहीं कह रहा हूँ, 1.5 लाख 1.25 लाख शेयर्स खरीदे थे। कौन सा शेयर पता है आप लोगों को? मैं बताना चाहूँगा, सेरा सैनिटाइजर की अगर मैं बात करूँ, इनमें उन्होंने इन्वेस्ट किया था, राइट। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कितना इन्वेस्ट किया था पता है? 60 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ। और वहाँ से अभी स्टॉक वो पता है कितना गिर गया है? लगभग 1 महीने की अगर मैं बात करूँ 20% गिर गया, मतलब 1/5, मतलब 12 करोड़ उनका चला गया। तो ये लोग तो डरते नहीं, ये तो बिंदास खड़े रहते हैं, बट रिटेल इन्वेस्टर बार बार भागने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कहा दोस्तों कि हम लोगों का जो फोकस रहता है वो हमारे शेयर के ऊपर नहीं, कहाँ पे रहता है? इंडेक्स के ऊपर। ये देखिए इंडेक्स कहाँ पे जा रहा है? अरे इंडेक्स तो जाएगा अल्टीमेटली ऊपर ही, हमारा मार्केट कोई ऐसा कमज़ोर मार्केट नहीं, ये चीज़ें चलती रहती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेट हाइक होगा, ये सारी चीज़ें, क्रूड ऑयल, मैंने बार बार कहा है कि 2008 में भी क्रूड ऑयल 140 था यहाँ पे,
तो क्या जिंदगी ख़त्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं। आज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे है, एंड जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि कोई अगर एक अच्छा स्टॉक पकड़ लेते हैं जैसे कि TCS, क्या TCS इसके पहले कभी गिरा नहीं है? ये देख लो ना कितनी बार गिरा है यहाँ पे, गिरावट गिरावट करके आज भी टॉप पे। ये एग्जांपल मैं क्यों बता रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की जर्नी के लिए जा रहे हो, किसी का भी चार्ट पैटर्न ऐसा रोज़ हरा कैंडल नहीं बनता है, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, एंड डाउन्स वाले कैंडल्स ही ज़्यादा रहते हैं। बट जब वो हरे कैंडल्स बने हैं, वो इतने स्ट्रांग बने हैं कि स्टॉक अल्टीमेटली ऊपर भागा है। सो वो दिन अगर आपको देखने हैं तो ये दिन भी आप लोगों को झेलने आने चाहिए, राइट? इस ये दिन देखे बिना आप लोगों को वो दिन नहीं देखने को मिल सकते। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये देखिए HDFC बैंक की मैं बात करूँ, इसकी मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2008 में तो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, आपको पता है HDFC बैंक 50-60% हम लोग को डाउन देखने को मिला था। तो क्या दुनिया ख़त्म हो गई? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आज वो बैंक यहाँ पे है। ये मैं कोई इंडिविजुअल स्टॉक को पकड़ कर नहीं बोल रहा हूँ, ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि दी एंड, बाजार ख़त्म। चलो मैं समझ सकता हूँ कि कोविड के वक्त आप लोग डर गए होंगे क्योंकि इतना ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन था, हम लोग लॉकडाउन में थे। बट अभी क्या है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रशिया वर्सेस यूक्रेन, कल कोई और, ये कोई और, ये तो चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, ये इसके पहले भी चली थी, राइट? एंड अगर मैं बात करूँ हमारे मार्केट से रिलेटेड, तो आपको पता है हमारे मार्केट के ऊपर भी, मतलब इंडिया के ऊपर भी कितने सारे टेररिस्ट अटैक हुए थे, राइट? उसके बावजूद हमारा मार्केट इतना स्ट्रांग खड़ा है। सो ये चीज़ें दोस्तों चलती ही रहती है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो अल्टीमेटली एक ही बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ये बात हमेशा याद रख लेना, ये कोट हमेशा दिमाग में फिट करके रख लेना, जितनी बड़ी गिरावट होती है ना, जितनी बड़ी गिरावट होती है, राइट, उतना ही बड़ा मौका आप लोगों के लिए यहाँ पे रहता है, राइट? यहाँ पे ऐसे ही लिखा है मैंने, बट बताने का मकसद समझे, जितनी बड़ी गिरावट उतना बड़ा मौका। और ये मैं आज नहीं बता रहा हूँ, 2020 के वक्त भी बताया था। बहुत सारे लोग कहते थे अरे लोग यहाँ पे मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं बोला इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे वायरसेस हो चुके हैं, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा ना तब बाज़ार भागेगा, तब पता चलेगा। और याद रखिए दोस्तों, बाज़ार हमेशा ओवर वैल्यूड रहता है। मैंने आप लोगों को कल परसों भी बताया था, बाज़ार इज़ ऑलवेज ओवर वैल्यूड सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से वो शुरू हुआ है हमेशा यही बात रहती है। कोई नहीं बोलेगा आपको आके कि अरे बाज़ार अंडर वैल्यूड है। 7600 तक बाज़ार आया था, किसने बोला कि यही सही वक्त है खरीदने का? बिल्कुल नहीं। 7600 पे नया क्या शुरू हो गया कि बाज़ार 6000 आएगा। वो 6000 आता तो भी लोग बोलते कि बाज़ार ओवर वैल्यूड है, अभी 5000 आएगा। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है दोस्तों, ये हमेशा ऐसा ही चलता है। जब बाज़ार 7600 से किसी को समझा ही नहीं, इतना तेज़ वापस 12000 आ गया, तो अभी तो पक्का गिरेगा। वो गिरा तो कुछ नहीं, सीधा 18600 चला गया। तो याद रखिए दोस्तों, ये बाज़ार का टॉप बॉटम ये किसी को भी पता नहीं होता, इंक्लूडिंग मी। मैं आप लोगों को ये बहुत बार बता चुका हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं बड़े इन्वेस्टर से सीखा हूँ कि उन्होंने ही कहा है, ये सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ने का ही नहीं, आपने अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट करना है और उसमें बने रहना भी आना चाहिए। सिलेक्ट तो हर कोई कर लेता है, राइट? यहाँ पे भी कितने सारे लोगों ने अच्छे अच्छे स्टॉक सिलेक्ट किए थे, क्रैश में बेच दिए, क्या फ़ायदा हुआ, सब कुछ चला गया, इतनी मेहनत पानी में चली गई। तो इसलिए कहना चाहूँगा, अगर आपके पास अच्छे शेयर्स है, बने रहिए उसमें। ये तो 20-30-40% ये गिरावट चलती रहती है, मेरे पोर्टफोलियो में भी शेयर्स है, उसमें भी गिरावट हो रही है, बट वो कोई दी एंड नहीं है। इसके पहले भी हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखी है। तो ये झेलने की आदत लगवा लीजिए, वो आदत अगर आप लोगों की हैबिट बन गई तो फिर आपको कोई भी, मतलब बोलते हैं ना, कोई ऑपरेटर आपको फंसा भी नहीं सकता। सो जितना हो सके मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट में ज़बरदस्त फ्यूचर है दोस्तों हमेशा, और ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, इसका फिक्र नहीं करने का, राइट? ये डाउन्स नहीं रहेंगे तो बाजार में कैसे, और ये जो गिरावट रहती है दोस्तों हमेशा याद रखना, यहाँ पे अगर आप लोग टिक गए, ये जो प्रेशर अगर आपने हैंडल कर लिया, तो फिर आप लोग बाज़ार में जीत गए। एंड इस वक्त अगर माहौल में अगर आप डर के मारे एग्जिट हो गए, तो फिर आप बाज़ार में कभी भी नहीं टिक पाओगे। आप नेक्स्ट कुछ सालों के बाद ज़रूर आओगे, बट वापस पर जब बाज़ार नीचे आ जाएगा आप वापस भाग जाओगे। सो आशा करता हूँ जितना हो सके मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। सर क्या बाज़ार खत्म हो जाएगा, क्या हम लोग एग्जिट हो जाए? कोई भी एग्जिट नहीं। मैं आप लोग देख सकते हो 3-3, 4-4 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, मैं आज भी यहाँ पे टिका हुआ हूँ। मैंने कभी बोला कि निकल जाओ, भाग जाओ, कभी बोलता ही नहीं, क्यों? अरे बाज़ार हमेशा जीवन, मतलब बोलते हैं ना, जिंदा ही रहने वाला है, क्योंकि इतने बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है, वो कभी बाज़ार को ख़त्म होने देंगे ही नहीं। सो ये फॉर्मूला है सबसे बड़ा जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सर बड़ी गिरावट होगी, ये होगी, कोई डरने की जरूरत नहीं, बने रहिए दोस्तों, बिना डरे बहुत अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को फ्यूचर में मिल जाएगा। सो डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है मुझे बता देना, तो 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जीरोधा एंड अपस्टॉक दो अकाउंट है, अपस्टॉक में फिलहाल ऑफर चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, तो आप चाहो तो इस ऑफर का भी फायदा उठा सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।